गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू क्रैक ग्रेड बी। मेरा नाम है ऋषभ एंड लेट्स बिगिन टुडेज क्लास फॉर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इश्यूज एंड एनालिसिस। गुड मॉर्निंग अनिकेत, लो अटेंडेंस टुडे। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम आरबीआई सर्कुलर कैन बी इम्पॉर्टेंट एज अ वन मार्कर क्वेश्चन। इट दे विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ इट इज नॉट द ओके। आरबीआई लिस्ट सिक्स रेटिंग एजेंसीज फॉर बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी पर्पजेज। सो आफ्टर द ब्रिक वर्क्स क्रेडिट रेटिंग फियास्को विच वी हैव रेड, जिस पर उन्होंने फ्रॉड किया था एंड सेबी हैज बैंड देम, देर आर मल्टीपल रेगुलेशंस कमिंग इन फ्रॉम सेबी एंड आरबीआई एज वेल। तो ये सिक्स रेगुलेट रेटिंग एजेंसीज को आरबीआई हैज शॉर्ट लिस्टेड फॉर रेटिंग द बैंक्स ऑन देयर क्रेडिट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो दीज सिक्स आर दीज एक्वाइट रेटिंग्स एंड रिसर्च, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, केयर, क्राइसिल, इकरा, इंडिया रेटिंग्स एंड इन्फोमेरिक्स वैल्युएशन एंड रेटिंग्स। सो दीज सिक्स विल बी द ओनली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दैट आर करेंटली गिवेन परमिशन बाई आर बी आई टू रेट द बैंक्स। ठीक है, ये सिक्स नाम ट्राई टू रिमेंबर। नाउ सेकेंड, दिस रिपोर्ट इज बाई इकरा। ठीक है, नाउ बॉन्ड इशुएंस बाई बैंक्स टू टच अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 1.3 trillion इन फाइनेंशियल ईयर 23। सो इट्स एन एस्टिमेट दैट इट विल reach 1.3 trillion. We have also seen that banks are regularly issuing bonds, tier 1 bonds, tier 2 bonds to raise capital to be buoyant in the liquidity terms, because we have seen the credit growth is around 17-18%, deposit growth is around 9.5-10%. So yeah, there is a mismatch in credit growth and deposit growth, that's why banks are issuing bonds to raise money. Now till November they have raised around 91,000 crores. ठीक है, and ICRA is hopeful that they will be able to cross 1.3 trillion rupees as bond capital raised through bonds. ठीक है, gross bond issuance by Indian banks raised more than 91,000 crore in April to December, means this financial year up to December they have raised 91,000 crore. This is the highest ever, क्योंकि इसके पहले इन फाइनेंशियल ईयर 2017 द बैंक्स रेज्ड 80,000 करोड़ इन द फुल फाइनेंशियल ईयर। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अब तक का हाईएस्ट वाज इन 2017, फाइनेंशियल ईयर 2017 व्हेन द बैंक्स रेज्ड 80,000 करोड़, एंड इन दिस फाइनेंशियल ईयर अप टू दिसंबर इटसेल्फ 91,000 करोड़ हैज बीन रेज्ड बाय द बैंक्स। नाउ इट हैज ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट banks may raise around 1.3 to 1.4 trillion through bond issuance in the whole of financial year 23. ठीक है, banks raised more than 73,000 crore. ठीक है, 73,000 crore was raised in financial year 22. ठीक है, last financial year में 73,000 crore. State Bank of India has approved raising 20,000 crores in infrastructure and tier 1 bonds. We have read about it, 10,000 crore in infra bonds and 10,000 in the tier 1 bonds. ठीक है, public sector banks usually issue bonds for capital considerations and private ones to meet credit deposit growth mismatch. ठीक है, public sector bond क्यों करता है? Because for capital consideration, means to raise more capital so that they can give more credits, but private banks mostly for credit and deposit growth mismatch, means there if their deposit is not growing as much as the credit, and also the there is a mismatch in the loans coming back. ठीक है, tier 2 bonds generally raise करती है private banks, and tier 2 bonds are issued against the already given loans. ठीक है, जो loans already दिए होते हैं that works as a security for the tier 2 bonds.
ठीक है, ऑल्सो टीयर वन बॉन्ड्स का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, रेट मीन्स यील्ड ज़्यादा देनी पड़ती है इन टीयर वन बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड्स, वी हैव सीन दैट 81 बॉन्ड्स में यील्ड ज़्यादा इसलिए देनी पड़ती है बिकॉज इट इज़ अ परपेचुअल बॉन्ड, ठीक, एंड इट्स वेरी रिस्की, सो दे हैव टू गिव अ मोर यील्ड, दैट्स वाई प्राइवेट बैंक्स प्रेफर द टीयर टू बॉन्ड्स, दे रेज द टीयर टू बॉन्ड्स अगेंस्ट देयर लोन्स, ऑलरेडी गिवन लोन्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स लार्जली इशू टीयर वन बॉन्ड्स, प्राइवेट लेंडर्स प्रेफर टीयर टू बॉन्ड्स, एस टीयर वन बॉन्ड इज कॉस्टलियर देन टीयर टू एंड बोथ इशूड एंड बोथ ऑफ देम हैव इशू बोथ ऑफ देम इशूज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, ठीक है, इंफ्रा बॉन्ड्स तो दोनों करते हैं बट मोस्टली प्राइवेट सेक्टर टीयर टू करता है एंड पब्लिक सेक्टर टीयर वन, बिकॉज पब्लिक सेक्टर आर मोर एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट, पीपल हैव मोर फेथ इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दैट्स वाई इट्स ईजियर फॉर देम टू रेज मनी थ्रू टीयर वन बॉन्ड्स, ठीक है, एंड दे कैन गिव हायर यील्ड्स, पीपल विल इन्वेस्ट इन इट बिकॉज दे हैव मोर फेथ इन दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ओके, विद इन ओवरऑल बॉन्ड इशुएंस ऑफ 91,000 करोड़, टीयर टू बॉन्ड्स हैव रीच्ड ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड 47,000 करोड़, मीन्स आउट ऑफ दिस 91,500 करोड़, मोर देन 50% has been raised as a tier 2 bonds, means private players are raising more than public sector bonds, but still public sector is catching up. कभी भी public sector banks ने इतना ज़्यादा पैसा via bonds raise नहीं किया था, but this time the public sector banks are catching up with the private sector in raising funds via bonds. Now credit to deposit ratio for the banking system is expected to be at 75%. It is around 75%. It will grow, ICRA saying that it is higher than around 70%, 69.6% during the pandemic. ठीक है, low कितना हुआ था 69%, इस समय high कितना है 75%. Credit to deposit ratio. Okay, so these numbers can be important. Now SEBI to extend trading hours in case of outage at stock exchanges. ठीक है, कुछ बेसिक समझ लेते हैं. स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रेडिंग आवर्स क्लोज एट 3:30, ठीक है, 3:30 को क्लोज होता है, 3:30 PM ट्रेडिंग क्लोजेस, एंड इफ द आउटेज इज नॉट रिजॉल्व्ड टिल, इफ द स्टॉक एक्सचेंज हु इज रिजॉल्विंग, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में इशू आया है आउटेज का, इफ इट इज रिजॉल्विंग एंड इट सीज दैट इट कैन नॉट बी रिजॉल्व टिल 2:30, मीन्स 1 आवर बिफोर द क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग आवर, देन ये ट्रेडिंग आवर इंक्रीजेज बाई 1.5 आवर्स, मीन्स न्यू ट्रेडिंग क्लोजिंग सेशन विल बी एट 5 PM. सो बेसिक यही है कि ये 1.5 आवर्स से बढ़ जाएगा अगर 2:30 तक स्टॉक एक्सचेंज ने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस इज नॉट एबल टू गेट इन कंट्रोल ऑफ द आउटेज, ठीक है, अगर 1 घंटे पहले तक, बट अगर 2:30 से पहले इन्होंने रिजॉल्व कर लिया, देन दिस ट्रेडिंग आवर विल गो ऑन एज यूजुअल एंड इट विल क्लोज एट 3:30, बट अगर उन्हें दिख रहा है कि 3:30 तक नहीं क्लियर होगा, देन इट विल बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 1.5 आवर्स टिल 5 PM. अब ये 2:30 तक अगर ये सही नहीं हो पा रहा है, देन द आउटेज हिट स्टॉक एक्सचेंज शुड स्टार्ट अ प्री रन फॉर द मोर देन 1.5 आवर्स, ठीक है, अगर ये 1 घंटे पहले तक ठीक नहीं हो पा रहा है, देन इससे 15 मिनट पहले, मीन्स 15 मिनट्स बिफोर 1 आवर ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एक्चुअल नॉर्मल मार्केट आवर्स, 2:15 को इन्हें एक प्री रन करना होगा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज जब 9 बजे खुलता है उसके पहले एक प्री रन होता है दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. सो 15 मिनट्स बिफोर दिस 2:30, यानी कि 2:15 बजे दे विल हैव टू अगेन डू अ प्री रन दैट वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट ट्रेडिंग अप टू 5 PM, ठीक है, क्योंकि आउटेज था, वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट ट्रेडिंग अप टू 5 PM, देन 2:15 बजे दे विल हैव टू डू अ प्री रन, ठीक है, ताकि 15 मिनट में फिर से सिस्टम्स चेक हो पाए दैट दे आर फंक्शनिंग वेल और नॉट, ठीक. सो बेसिक यही है, ये टाइमलाइन है, 2:15, 2:30, 3:30 और 5, ठीक. लेट्स स्टार्ट हियर.
SEBI has issued guidelines for extension of trading hours in case of an outage at a stock exchange, along with SOPs for stock exchanges for handling such an outage. ठीक है, in circular issued, SEBI said that an outage would mean stoppage of continuous trading either by Suomoto stock exchange, says it Suomoto, or any reasons beyond their control. ठीक, और either stock exchange take the matter Suomoto or the investors complain. ठीक है, जो भी होता है, आउटेज का मतलब क्या होगा, स्टॉप ऑफ नॉर्मल कंटिन्यूअस ट्रेडिंग. ठीक, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आउटेज. नाउ आउटेज इंटीमेशन, टू इंश्योर एनी आउटेज एट स्टॉक एक्सचेंज, सेबी हैज डायरेक्टेड स्टॉक एक्सचेंजेस टू रिपोर्ट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ट्रेडिंग मेंबर्स, अदर MII मीन्स अदर स्टॉक एक्सचेंज, मीन्स अगर निफ्टी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इट हैज टू इन्फॉर्म सेंसेक्स आउटेज इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 15 मिनट्स. मीन्स 15 मिनट के अंदर इफ देयर इज एन इशू इन वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, इट हैज टू इंटीमेट ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, अदर स्टॉक एक्सचेंजेस एटसेट्रा एंड सेबी विद इन 15 मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट के अंदर आउटेज के बारे में इंटीमेट करना है. एक्सचेंजेस शुड रिपोर्ट आउटेज टू सेबी थ्रू डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस. Also, SEBI has asked exchanges to update about ongoing outage in time intervals of 45 minutes. Means, for example, there is an outage at 12, 12:15 se pehle, before 12:15 they have to intimate, and every 45 minutes they will have to give updated details. Means, affected stock exchange has to release updated details about how it is going to resolve that outage. So, har 45 minute pe ek अपडेट देते रहनी है बाय द स्टॉक एक्सचेंज अफेक्टेड. सो दिस इज अबाउट आउटेज इंटीमेशन. नाउ एक्सटेंशन इन ट्रेडिंग आवर्स. ठीक, इफ द अफेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज रिज्यूम्स टू नॉर्मेलसी एट लीस्ट 1 hour एक्सक्लूडिंग 15 मिनट्स प्री ओपनिंग सेशन बिफोर द नॉर्मल शेड्यूल्ड मार्केट क्लोजर. मीन्स 3:30 मार्केट क्लोजर होता है और 2:15 तक, टिल 2:15 If the market resume their working, ठीक, 2:15 तक अगर market ने अपनी normalcy वापस पा ली, means that stock exchange returns to normal, then there will be no extension in trading hours. But if the affected exchange does not resume to normalcy even 1 hour before the scheduled closing, then trading hours of all stock exchanges will automatically get extended by 1.5 hour. ठीक, अब ये पढ़ने की बात है, ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस मींस इफ देयर इज अ आउटेज इन निफ्टी, ठीक, एंड देयर इज समथिंग गोइंग ऑन टू रिकवर दैट आउटेज, बट वो 1 hour पहले तक, मींस 2:15 तक वो रिजॉल्व नहीं हो पाता है, देन इवन सेंसेक्स ट्रेडिंग आवर्स मींस द अदर स्टॉक एक्सचेंज का भी ट्रेडिंग आवर विल बी एक्सटेंडेड बाय 1.5 hours. मींस इवन दो ओनली निफ्टी इज सफरिंग ड्यू टू आउटेज, बोथ सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों का ट्रेडिंग आवर विल बी इंक्रीज टिल 5 PM. ठीक, मीन्स 1.5 hours आफ्टर द नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स. नॉट जस्ट द अफेक्टेड वन बट ऑल्सो द अदर वन विल बी अफेक्टेड. मार्केट आवर्स विल बी एक्सटेंडेड बाई 1.5 hours फॉर दैट रेस्पेक्टिव डे इवन वेन आउटेज हैपन्स ड्यूरिंग लास्ट ट्रेडिंग आवर ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन एंड लेटेस्ट बिफोर 15 minutes ऑफ नॉर्मल शेड्यूल्ड मार्केट क्लोजर. मीन्स बिटवीन 2:30 to 3:15. ठीक है, 3:15 तक भी अगर कोई आउटेज होता है, मीन्स 3:30 3:30 इज द क्लोजिंग टाइम ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स, इवन इफ देयर इज अ मार्क इज एन आउटेज टिल 3:15 मीन्स 15 मिनट्स बिफोर द क्लोजिंग, देन ऑल्सो मार्केट आवर्स विल बी एक्सटेंडेड. लेकिन अगर 3:30 to 3:30 के बीच में कोई आउटेज आता है, देन द मार्केट आवर्स विल नॉट बी एक्सटेंडेड. इन सच केसेस द अफेक्टेड एक्सचेंज शुड इंटीमेट अबाउट आउटेज इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 10 मिनट्स. वाई दिस इज सो, क्योंकि 3:15 पे अगर कोई आउटेज होता है, सपोज 3:15 एग्जैक्टली, देन विद इन 10 मिनट्स यू हैव टू टेल द अदर स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि अगर 15 मिनट का रूल यहां भी लगाओगे, देन 3:30 पे वो स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा बंद, द ट्रेडिंग आवर्स विल बी क्लोज्ड. सो यू हैव टू टेल अदर स्टॉक एक्सचेंज विद इन 10 मिनट्स इफ द आउटेज हैपन्स बिटवीन इन द लास्ट 1 hour ऑफ
शेड्यूल्ड क्लोजिंग ऑफ दैट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर शेड्यूल 3:30 बजे आपका शेड्यूल क्लोजिंग आ रहा है, इफ द आउटेज हैपेंस अप टू 3:15 यू हैव टू टेल विद इन 10 मिनट्स टू द अदर स्टॉक एक्सचेंज सो दैट दे कैन ऑल्सो इंक्रीज देयर ट्रेडिंग आवर्स अप टू 5। ठीक, अ नोटिस इज टू बी इश्यूड बाय अदर स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स। ठीक, द एक्सटेंशन इन ट्रेडिंग आवर्स शुड बी इंटीमेटेड टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स अदर MIIs एंड SEBI लेटेस्ट बाई 1 hour 15 minutes बिफोर मार्केट क्लोजर। मीन्स वही 3:30 बजे मार्केट क्लोजर है, एवरी वन शुड बी इंटीमेटेड 1 hour 15 minutes बिफोर इट दैट देर इज एन आउटेज इन नॉर्मल आउटेज conditions। ठीक है, यानी 2:15 बजे तक यू हैव टू टेल टू बाई 2:15 यू हैव टू टेल एवरी स्टेक होल्डर्स दैट देर इज एन आउटेज एंड वी आर गोइंग टू एक्सटेंड आवर ट्रेडिंग आवर्स। Also, SEBI has directed that in case of extension of trading hours, if the affected stock exchange does not attain normalcy even 45 minutes post normal schedule market, then no further trading will be allowed in the affected exchange. Means, see 3:30 is the normal closing hour. Okay, 45 minutes after it means 4:15 p.m. Okay. Up to 4:15 p.m., if say the affected stock exchange is unable to get normalcy back, then SEBI has said the affected stock exchange will not do further trading. अब आप अपना काम सही करिए पहले, SEBI has said कि अपना काम सही करो। अगर 4:15 बजे यानी 45 minutes after the closing normal closing hour you have not attained normalcy. ठीक, suppose Nifty is not normal till 4:15, but since trading hours has extended till 5 p.m. already, then Sensex पे वो trading up to 5 p.m. चलती जाएगी, Nifty will have to stop the trading at 4:15 if it does not get normalcy at 45 minutes after a normal closure, scheduled closing hours. ठीक है, now other details, additionally the regulator has guided a reopening session similar to a normal pre-opening session. जैसे सुबह एक प्री ओपनिंग सेशन होता है टू सी इफ एवरीथिंग इज रनिंग इन टैंडम, ठीक है, इन सिंक, वैसे ही एक री ओपनिंग सेशन होगा इफ एवरीथिंग इज अफेक्टेड, मींस 2:15 यानी 15 मिनट पहले, ठीक, एक री ओपनिंग सेशन होगा 15 मिनट्स। एक्सचेंजर्स शैल मेक एन एडवांस इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 15 मिनट्स टू वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक, 15 मिनट्स पहले अपने मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी लाइक इन्वेस्टर्स को बताना होगा दैट वी आर गोइंग टू डू अ रीओपनिंग सेशन। ओके, नोटेबली इन केस ऑफ डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिंग इन वन और मोर मार्केट सेगमेंट्स, SEBI हैज डायरेक्टेड दैट ट्रेडिंग इन अदर अनअफेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ अफेक्टेड एक्सचेंजेस शैल कंटिन्यू एंड ऑल अदर अनअफेक्टेड एक्सचेंजेस शैल कंटिन्यू टू ट्रेड इन ऑल ऑफ देयर मार्केट सेगमेंट्स। ठीक है, सो बेसिक बात यही है कि जो भी अफेक्टेड होगा दैट ट्रेडिंग विल स्टॉप, द अनअफेक्टेड रीजन विल कंटिन्यू टू वर्क एज नॉर्मल। ठीक, हर जगह पे स्टॉप नहीं किया जाएगी ट्रेडिंग, ओनली द अफेक्टेड एक्सचेंज और द अफेक्टेड पार्ट ऑफ दैट एक्सचेंज विल स्टॉप ट्रेडिंग, रेस्ट विल वर्क एज नॉर्मल। SEBI has also asked exchanges to restore operations to normalcy at the earliest, including from disaster recovery site. We have read about disaster recovery sites also, that has to be at a 250 kilometer distance from the original server place. Now the announcement comes after exchanges like NSE faced technical disruptions in past, which led to impacting of overall trading. Also SEBI has asked exchanges to put in place a common closeout policy within 30 days of the SOP circular. ठीक, मीन्स अगले 30 विद इन द 30 डेज ऑफ दिस सर्कुलर द स्टॉक एक्सचेंजेस शुड हैव अ क्लियर कट पॉलिसी, कॉमन क्लोज आउट पॉलिसी फॉर ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस, एक कॉमन पॉलिसी रिलीज करनी है विद इन 30 डेज। ऑल्सो MIIs मीन्स मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टॉक एक्सचेंज, डेरिवेटिव डिपॉजिटरीज एटसेट्रा asked to update their business continuity plan document after the instant circular and submit the same to SEBI within 2 months. ठीक है, because there is a new circular, they have to update their business continuity plan, means the exchanges,
एंड दे हैव टू सबमिट द प्लान टू सेबी विद इन 2 months ऑफ दिस सर्कुलर. ओके दिस इज इट आई थिंक. थोड़ा सा दो बार पढ़ना पड़ेगा बट इट विल बी क्लियर. ओके म्यूनिसिपल बॉन्ड फंड रेजिंग ट्रेवल्स इन 5 years ओवर ₹6,000 crore मॉप्ड अप. ठीक है, वी हैव रेड अबाउट सिंस म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैव कम इन टू लाइम लाइट इन आवर क्लास आई थिंक फॉर द थर्ड टाइम. ठीक है, बिकॉज RBI हैज ऑल्सो रिलीज अ रिपोर्ट ऑन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स. वी हैव रेड अबाउट इट, यू हैव नोट्स अबाउट इट. प्लीज रीड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वेरी केयरफुली, इट मे बी आस्क्ड, क्योंकि ये 2-3 बार ये आ चुका है अब आपके न्यूज में. ठीक है, द टोटल अमाउंट दैट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैव रेज्ड थ्रू बॉन्ड मार्केट हैज ट्रेबल्ड सिंस 2017. ठीक, द लेटेस्ट रेगुलेटरी फाइलिंग ऑफ द इंडोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर 250 crore. सो इंडोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वी हैव रेड अबाउट दिस. दिस विल इज द फर्स्ट बॉन्ड इशुएंस बाय अ म्यूनिसिपल बॉन्ड दैट विल अलाउ रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट. ठीक है, ये पहला बॉन्ड ऐसा होगा एंड इट इज अ ग्रीन बॉन्ड. ठीक, ₹250 crore वुड मीन दैट टोटल अमाउंट रेज थ्रू द बॉन्ड्स विल रीच 6,252 crore. मीन्स मोर देन 6,000 crore म्यूनिसिपल बॉन्ड से रेज किए गए हैं इंडिया में पहली बार. ठीक है, इट इज अराउंड 3 times. ठीक है, इट इज अराउंड 3 times द नंबर ऑफ 2017 वेन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रेज 2,340 crore. ओके, नाउ द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड इशुएंस अंडर अमृत प्रोग्राम. वी हैव रेड अबाउट अमृत प्रोग्राम ऑल्सो इन दैट चैप्टर. सो बेसिकली 13 crore इंसेंटिव इज गिवन बाई द सेंटर इफ यू इशू अ बॉन्ड ऑफ 100 crore. ठीक है, फॉर एवरी 100 crore 13 crore इंसेंटिव इज गिवन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पर्टिकुलर म्यूनिसिपल बोर्ड. ठीक है, द सर्च कम्स ऑल्सो अमिड रेगुलेटरी रिकॉग्निशन ऑफ नीड टू इनकरेज द यूज ऑफ एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस. वी हैव रेड अबाउट दिस अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस व्हेन वी रेड अबाउट RBI सर्कुलर ऑन RBI स्टडी ऑन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इन इंडिया. लिस्टिंग म्यूनिसिपल बॉन्ड्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस कैन पेव द वे फॉर डेवलपिंग द मच नीडेड सेकेंडरी मार्केट फॉर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स सेट द RBI. ऑल्सो SEBI has also issued regulatory norms to allow such securities to be used for funding green projects via municipal bonds. So both RBI and SEBI are in sync when it comes to the issuance of municipal bonds in India. They are alternate source of financing. Nahi to generally municipality looks up to the state government or central government for funds and the development of the cities at grassroots levels suffers. Kyunki unke paas paise nahi hote hain. So mostly waste management suffers or roads suffer. ठीक है, क्लीनलीनेस सफर्स. सो उसके लिए दे आर इट्स बेटर दैट दे स्टार्ट टू बी मोर फाइनेंशियली प्रूडेंट एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड इशू देयर ओन बॉन्ड्स एंड वर्क फॉर इट. ठीक है, एंड गिव इन्वेस्टर्स सम गुड रिटर्न्स सो दैट इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन द म्यूनिसिपैलिटीज. ओके, द इंडोर बॉन्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब्सिक्वेंटली अनाउंस्ड 250 crore बॉन्ड्स. ऑल्सो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट फाइनेंसिंग अर्बन बॉडीज थ्रू बॉन्ड मार्केट सेड अ रिपोर्ट बाई वर्ल्ड बैंक सोवेरेन ग्रीन सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स रिपोर्ट. ठीक है, इन्वेस्टर्स ऑल्सो रिपोर्ट एन इंटरेस्ट इन सब नेशनल एंड सब सोवेरेन थीमेटिक बॉन्ड्स विच माइट बी एन ऑप्शन वर्थ एक्सप्लोरिंग इन कंट्रीज वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अर्बन इंफ्रा एंड ऑपरेशंस इज डिसेंट्रलाइज्ड टू सब नेशनल गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेट्स प्रोविंसेज म्यूनिसिपैलिटी सिटीज डिस्ट्रिक्ट्स एसेट्रा. मीन्स दिस रिपोर्ट हैज सेड दैट इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेशन आर लुकिंग टू डेमोक्रेसीज दैट हैव डिसेंट्रलाइज देयर पावर. ठीक है, इंडिया सच एज इंडिया हैज डिसेंट्रलाइज अप टिल द म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, सिटी लेवल तक गवर्नेंस है. ऐसी सब सोवेरेन मीन्स सेंटर यूनियन गवर्नमेंट सब सोवेरेन गवर्नमेंट्स को फंड करने के लिए फॉर डेवलपमेंट पीपल आर लुकिंग आफ्टर. ठीक है, सो इंडिया शुड टैप द म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट टू रेज फंड्स वाया दीज इन्वेस्टर्स ऑल्सो. नाउ आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी
इश्यूएंस ऑफ रुपीज 5000 करोड़ इन 2018 वाज़ द लार्जेस्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यूएंस। ठीक है, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट, बिकॉज आंध्र प्रदेश वॉज कट आउट फ्रॉम तेलंगाना, न्यू कैपिटल अमरावती वॉज बींग मेड, उसके लिए 2000 करोड़ वर रेज्ड बाय द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिस इज द लार्जेस्ट म्युनिसिपल बॉन्ड टिल डेट, टिल 2023 जनवरी। अदर्स हु हैव कम आउट विथ इश्यूएंस आर वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। रिसेंट में ये सब ने ऑलरेडी इशू किया हुआ है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। ठीक, ओके, नाउ ओएनजीसी विदेश रीटेक्स 20% स्टेक्स इन साखालिन वन ऑयल एंड गैस फील्ड्स ऑफ रशिया। नाउ साखालिन वन ऑयल एंड गैस फील्ड ऑफ रशिया इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, मेजर ऑयल फील्ड। सो हियर ओएनजीसी विदेश और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैज 20% स्टेक, बट ड्यू टू दिस रशिया यूक्रेन वॉर द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर दैट वॉज एक्सॉन मोबिल। एक्सॉन मोबिल इज अ कंपनी इन द वेस्ट, दे स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम देयर, दिस ऑयल फील्ड स्टॉप प्रोडक्शन। ठीक है, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया एक्सॉन मोबिल ने, सो द प्रोडक्शन स्टॉप, बट नाउ रशिया हैज अगेन आस्क्ड इंडिया टू रिज्यूम एंड रीटेक देयर 20% स्टेक सो दैट द प्रोडक्शन कैन स्टार्ट एंड गो टू नॉर्मलसी। ठीक, सो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द ओवरसीज आर्म ऑफ ओएनजीसी हैज रीटेकन आर 20% स्टेक इन साखालिन वन ऑयल एंड गैस फील्ड्स। प्रोडक्शन फ्रॉम साखालिन वन स्टॉप्ड इन अप्रैल 2022 आफ्टर एक्सॉन नेफ्टी गैस डिक्लेयर फोर्स मजोरे एट प्रोजेक्ट इन रेस्पॉन्स टू इंटरनेशनल सैंक्शन इम्पोज ऑन रशिया फॉलोइंग इट्स इन्वेजन ऑन ऑफ यूक्रेन। ठीक, ओवीएल अप्लाइड एंड हैज बीन गिवन द सेम शेयर होल्डिंग एज इट हैड प्रीवियसली, दैट 20% शेयर होल्डिंग। नाउ साखालिन वन वॉज प्रोड्यूसिंग 220,000 बैरल्स पर डे बिफोर द यूक्रेन वॉर, आउट ऑफ दिस 44,000 बैरल्स पर डे वॉज द शेयर ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड और 2.2 मिलियन टन्स पर एनम, मींस 20% ऑफ द टोटल शेयर वॉज रिजर्व फॉर ONGC। सखालिन वन इंक्लूड्स थ्री ऑफशोर फील्ड्स नेमली शावो, ओदोप्तु एंड आर्कुनटुन। ठीक, एंड OVL रिक्वायर्ड 20% स्टेक इन द प्रोजेक्ट इन जुलाई 2001, मींस फ्रॉम जुलाई 2001 OVL हैज ऑलरेडी 20% स्टेक हियर, बट सिंस द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप तो सारे के सारे स्टेक डाइल्यूट कर दिए गए थे। रशिया हैज अगेन सेड दैट यू कैन टेक योर 20% स्टेक बैक एंड वी शुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल फ्रॉम दिस फील्ड। नाउ इंडिया ओवरटेक्स जापान टू टेक थर्ड स्पॉट अमंग लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट्स। ठीक है, चाइना, यूएस, देन इंडिया, थर्ड हो गई है, देन जापान। India's overtaken Japan to become third largest vehicle market in 2022 after China and the US, selling more than 4.25 million vehicles, riding on pent-up demand and enhanced production by car makers. ठीक है, we have means India has sold around 4.25 million vehicles, including passenger vehicles and both commercial vehicles both. ठीक है, due to pent-up demand means those demands that were there but could not be realized due to pandemic, due to lockdowns, people were not able to buy purchase cars due to some constraints, but now since pent up demand is there, ठीक है, कुछ जो दबी हुई demands थी लोगों की, they are out, people are able to purchase, so yes, India's car market or the vehicle market, sorry, is growing at a good rate and India has overtaken Japan this time, ठीक है, to become third largest vehicle market. According to Society of Indian Automotive Manufacturing, SIAM, 4.13 million vehicles, including passenger and commercial, were sold from January, between January and November 2022. ठीक है, November के बाद December आता है. SIAM releases quarterly data on commercial vehicles and thus numbers for the October to December quarter are awaited for the segment. ठीक है, basically it will add some more cars here. ठीक है, SIAM releases monthly data for passenger vehicle and quarterly data for commercial vehicle. तो December का जब data आएगा, this will add more in this 4.2 million vehicles sold.
ठीक है. सो इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट व्हीकुलर मार्केट ओवरटेकिंग जापान. ओके नाउ न्यूज फ्रॉम आरबीआई. डॉक्टर माइकल देवापात्रा देवव्रता पात्रा रीअपॉइंटेड एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 15, 2023. ठीक है, फ्रॉम जनवरी 15, 2023 ही हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर वन मोर ईयर. ठीक, फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर. ठीक है, मीन्स नेक्स्ट ईयर अप टू 2024 ही विल बी द आरबीआई डिप्टी गवर्नर. ठीक है, लेटेस्ट न्यूज. लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि गोल्डन ग्लोब मिल गया है ट्रिप आरआरआर को, किस सॉन्ग को, सॉरी. ओके ओके, सो पढ़ाई लिखाई खत्म. फास्ट सिंगर फर्स्ट, प्लीज ट्राई एमसीक्यू. दोस आर हु आर वॉच हु विल बी वॉचिंग रिकॉर्डिंग, प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन एंड ट्राई टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक, ओके. क्वेश्चन नंबर वन, अरे आज कोई भी नहीं है. यू आर राइट अनिके, ए ब्रिक वर्क्स रेटिंग इज करेक्ट आंसर. करेक्ट सुमित, ए इज द राइट आंसर. ब्रिक वर्क्स, ब्रिक वर्क्स हैज बीन एक्चुअली बैंड बाय सेबी. क्वेश्चन नंबर टू, एज पर इकरा रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ बॉन्ड्स बाय द बैंक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. अचल शाह, यू आर ऑल्सो अचल और आचल, आचल शाह, यू आर ऑल्सो राइट. ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू, करेक्ट अनिकेत, करेक्ट सुमित, करेक्ट अंजलि, ओके. डी इज द राइट आंसर बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स इशू टीयर वन बॉन्ड्स एंड प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स इशू टीयर टू बॉन्ड्स. करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय अनिकेत हियर. Now India has become the third largest vehicle market in the world by overtaking which country? Correct Aniket, correct Anjali, correct Rishabh. Correct is the right answer. करेक्ट आचल. ओके, रिगार्डिंग म्युनिसिपल बॉन्ड्स विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. एक्चुअली विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. करेक्ट अंजलि, करेक्ट अनिकेत, करेक्ट ऋषभ. ओके, सो सी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज रॉन्ग. इट इज नॉट तमिलनाडु, इट विल बी आंध्र प्रदेश. Now last question.
राइट अनिकेत, राइट सुमित, सी फॉर द लास्ट क्वेश्चन, यू आर राइट. दिस क्वेश्चन प्लीज. नो नॉट सी. करेक्ट आंसर इज ए. ओके सो लेट्स सी व्हाई फोर्थ इज रॉन्ग. लेट्स सी व्हाई फोर्थ इज रॉन्ग. फर्स्ट इट इज नॉट 60 मिनट, इट इज 45 मिनट्स. ठीक है, सो फोर्थ इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, 45 मिनट्स. ठीक है, इन एवरी 45 मिनट यू हैव टू इंटीमेट. ठीक है, एंड ऑप्शन टू, या बट प्री ओपनिंग री ओपनिंग. ओके, सो री ओपनिंग बाई 2:15, देन ट्रेडिंग आवर्स विल बी एक्सटेंडेड टिल 5 PM. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो 1, 2, 3, 5 इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर हियर. रेस्ट एवरीथिंग इज राइट. ओके दैट्स इट फॉर टुडे. देर इज़ नो लास्ट पेज हियर. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आज के लेक्चर से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एड हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर. मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास. कोई क्वेरी है तो कॉमेंट, कोई सजेशन है तो कॉमेंट. रीच आउट टू मी फॉर इकोनॉमिक्स इशूज ओनली, नॉट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज. आई विल नॉट बी ऑफ मच हेल्प. इंस्टेड कॉल इन द ऑफिस. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू.